नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और आप देख रहे हैं आपका मन पसंद फेवरेट यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी। और आज मैं इस वक्त मौजूद हूं आगरा की सिकंदरा मंडी सब्जी मंडी में, जहां पर आलू के रेटों के भाव में जानेंगे और जानेंगे किसानों से क्या उनकी उत्पादन लागत मिल पा रही है या नहीं, जानेंगे व्यापारी और आढ़तियों से क्या उन्हें कुछ बचत हो पा रही है या नहीं, क्या ऐसा ही परिवार चलाना कितना बड़ा चुनौती भरा काम हो सकता है, क्योंकि आलू की फसल लगातार जैसा कि पिछली वर्ष हुआ था और 2022 में भी आलू की कीमतों में थोड़ा बहुत सुधार होता है, उससे ज़्यादा नीचे डाउन चला जाता है। लेकिन आपसे एक ही निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज हम आगरा आपके लिए आगरा की सिकंदरा मंडी में आए और आलू यहाँ पर दिखाने आए हैं और क्या दिखाएंगे आपको, पुराने आलू का क्या भाव चल रहा है और नए आलू में जो नया आपका पुखराज है, ख्याति है, 302 है, S1 T7, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पुराने आलू की बात करें तो आपको चिप्सोना भी नज़र आ जाएगा और नज़र आ जाएगा आपको 3797 और चंबल का भी आ जाएगा। मेरे साथ में फिलहाल किसान मौजूद हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं, क्या क्या नाम है? 7 रुपये से 8 रुपये। नाम क्या है? राजू पंडित जी। कहाँ से आए? बीसमा। एक ग्लास। इतनी दूर मंडी करने आए? हाँ जी। क्या रेट चला है? 7 से 8। कौन सा आलू था आपका? पुराना। पुराने में कौन सा था? 3797। 3797 का कैसा रुझान लगा? 7 से 8 रुपये कुछ निकल पाया आपका? नहीं कुछ नहीं निकल रहा है। कुछ लागत नहीं निकल पाई? ना निकली। तो पहले जब बीच में आलू जो है 800 रुपये 900 रुपये पैकेट हो गया, तब क्यों नहीं निकल पाए थे? जब ना निकल पाई सर। अब जो नया आलू कैसा है आपका? नया आलू बढ़िया है। बढ़िया, कितने दिन का हो गया? 65-70 दिन के हो गए। 65-70 दिन का विकास हुआ। हाँ। तो खुदाई चल रही है आपके? खुदाई चल रही है। तो क्या रेट चल रहा है नए का? नए 8-8.5, 9 तक बिक रहा है। एक्स्ट्रा सुपर 9 तक बिक रहा है? हाँ जी। नॉर्मल 8-8.5। 8-8.5। तो आप किसान हैं, आप किसानों के लिए क्या गाइड करना चाहेंगे? आलू भैया तेज बिकना चाहिए। तो बिकना चाहिए आप मान रहे हैं? हाँ। तो स्थिति इस बार क्या है? स्थिति जा साल बढ़िया है। बढ़िया है आपकी नज़र में? बढ़िया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, बुरा तो नहीं लगेगा ना। इस वक्त जो इस वर्ष हुई है 22% एक्स्ट्रा आलू की उत्पादन आपके इगलास यानी अलीगढ़ में ही एक्स्ट्रा हुआ, हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अनुमान, कृषि विभाग के अनुसार 22% आलू की खेती में बढ़ोतरी हुई है। अगर हाथरस की बात करें तो हाथरस में 3 से 4% की मामूली वृद्धि हुई है, मथुरा में 8% की डाउन हुई है और आपका बुलंदशहर कासगंज में आलू नहीं होता था, इस वक्त 25% की बढ़ोतरी हुई है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश में 25% औसतन आप मान सकते हैं कि आपके जो एरिया है क्षेत्रफल है आलू का वो बढ़ा है। कैसा फिर? नहीं, नवंबर का आलू लगाया भैया, पैदावार कम निकलेगी। पैदावार कम निकलेगी। अक्टूबर का आलू नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, मेरे साथ में एक और किसान मौजूद है, इनसे ही पूछ लें, भैया क्या नाम है? रूपेश। भैया कितना पैकेट आप आलू लेके आए हैं? मैं 150 कट्टे। 150 कट्टे, क्या रेट चल रहा है? 7 से 8.5 रुपये किलो। क्या लागत निकल पाई आपकी? नहीं, कम लागत निकली है। क्यों, ऐसा क्यों? होनी कम निकल रहा आलू। क्या पैकेट का बीघा निकला था खेत? 65 का 60 का 55 का। और यहाँ मंडी में क्या रेट बिक रहा है? मंडी में बिक रहा है 7 से 8.5 रुपये किलो। तो लागत, तो उत्पादन लागत निकल पा रही है? नहीं 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 निकल पा रही। तो ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं, खुदाई रोकेंगे क्या करेंगे? अभी तो रोकेंगे। तो कितना दिन आपका इंतजार? 1 महीने बाद खुदाई होगी। आपके क्षेत्र में कितना रकबा बढ़ा है, कितना घटा है? लमसम फिजी साल के बच्चे बराबर है। बराबर है आपके क्षेत्र में, कम बढ़ती नहीं हुआ? नहीं। तो आलू किसानों के लिए, जैसे आप भी फार्मर्स हैं, तो किसान फार्मर्स के लिए क्या सजेशन रहेगी आपकी? किसान फार्मर्स के लिए ये सजेशन है, आलू इस साल तो पिट गया आलू 2021 में। 2021 और 2022 में, अभी 2022 की शुरुआत ही हुई, अभी तो मालूम पड़ेगा आगे चल के क्या होगा, अभी तो फिलहाल हम पिट ही रहे। तो जो आलू उत्पादक किसान हैं वो क्या, अगर आप समर्थन करते हैं सरकार को, जो समर्थन मूल्य आलू का वो घोषित करना चाहिए कि नहीं करना? हाँ, घोषित करना चाहिए, लगभग जिससे किसानों का एवरेज निकलता रहे, किसानों को कुछ मिले। कितना घोषित होना चाहिए आपके अनुमान से? लगभग 10-11 रुपये के लिए तो आलू बिके ही बिके, न्यूनतम। न्यूनतम अधिकतम में अगर सरकार समर्थन घोषित करे तो 15-14 रुपये किलो, तो ऐसे ही होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और भैया एक और भैया मौजूद है, उनसे पूछ ले, भैया क्या नाम है? जी शिराज अहमद। कहाँ से आए हैं? आगरा से। क्या रेट बिक रहा है इस वक्त आलू? आलू 6 रुपये से 8 रुपये बिक रहा है। और अगर सुपर की बात करें? सुपर बिक रहा है 8.5-9 रुपये। तो सुपर आलू आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब जो अच्छी क्वालिटी का आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। जितने भी ये किसान लेके आए हैं, कैसा आलू है? हाँ, सब हल्की आलू आ रहा है, बारिश के आलू हैं। आने वाले समय में 2022 में आप व्यापार भी कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, 2022 कैसी हो सकती है, 2021 जैसी या थोड़ा ऊपर आ जाएगा? 2022 जो है पिछले साल से लगभग समथिंग है, बराबर है।
बराबर है। आपका तो आकलन पहले से आइडिया आ जाता है क्योंकि आप पूरा देश भर में व्यापार करते हैं। सिकंदरा मंडी से किसानों का आलू खरीद के विदेश आपका विदेशों में भी जाता है, मुंबई महाराष्ट्र और उधर भी जाता है, तो आपको तो पूरा ही नॉलेज है। हाँ, इस वक्त इस वर्ष अगर बात करें तो रुझान जो है काफ़ी हल्का रहने वाला है। बिल्कुल। तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? किसानों के लिए सलाह तो ये है कि किसानों का मूल्य आवेदन नहीं मिल पा रहा अभी। किसानों को जो है इस रेट में ना तो बचत निकल रही है ना कोई पैसा निकल रहा है। तो मेरा अनुमान ये है कि किसानों को 15-16 रुपये बिके आलू तब उनका पैसा निकले। चलिए, मेरे साथ में और भी कई मौजूद हैं लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये नया आलू है ख्याति, और इसी के पास में ये देखिए ये है पुखराज, यानी कि इनकी आड़त पे आज दो ही आलू की आवक हुई है, नई में ये पुखराज है और ये ख्याति, यानी कि दो वैरायटी हैं। और भी उनसे पूछ लेते हैं। और तो मेरे साथ में आगरा मंडी सिकंदरा के जो ठेकेदार हैं या आप उन्हें मुख्य आड़ती हरिओम पंडित जी, और मेरे साथ में आपके साथ जुड़े हुए हैं और इनसे आज पूछेंगे नए आलू से लेकर पुराने जो विभिन्न प्रजाति होती हैं, चाहे वो पुराने में 37-57 होती है, 37-57 चंबल होती है, ख्याति, पुखराज, T7, सूर्या आदि नस्लें होती हैं, और नई में कौन सी है रेट जान लेते हैं, उसके बाद किसानों से और बात करते हैं। जी क्या स्थिति चल रही है इस बार? स्थिति आलू बिक रहा है, कुछ दिन पहले तो बिक रहा था 7-7.5 रुपये किलो, अब भाव है 8-8.5-9 रुपये किलो का नए आलू का। पुराना आलू बिका है 7-7.5-8 रुपये किलो। पुराने में कौन सा 7-8 रुपये किलो? पुराना 37-57 बिका है 7 रुपये किलो का, चिप्सोना बिक रहा है 8 रुपये किलो का, सूर्या बिका है 8 रुपये किलो का। और न्यू हॉलैंड आता है क्या? न्यू हॉलैंड यहाँ नहीं आता है, यहाँ कम बिकता है न्यू हॉलैंड। कंचन यहाँ लाल आलू बिकता ही नहीं, आगरा मंडी में आता ही नहीं है। तो क्या क्या रुझान देख रहे हैं इस वर्ष 2021 में? तो आलू का स्थिति का 2000 जो पिछले साल गया है उसमें जो पुराना आलू अभी तक बैलेंस बचा हुआ है और वो कितना बचा हुआ है, और नए आलू का क्या हो सकता है? अभी 10% तो आलू है पुराना। उसके कोई चांस दिख रहे हैं आपको आलू के? चांस कोई नहीं दिख रहे हैं आलू के। आलू तो नया ज़्यादा आ रहा है, नया यही बिक रहा है 8-8.5-9 रुपये किलो का, पुराने आलू की कोई कीमत नहीं बनाएगी। अब पंडित जी, आप इस पूरे सिकंदरा मंडी के आड़त के मुखिया भी हैं, तो 2022 में अगर अनुमान, किसान ये सोच रहा है, पूछना चाह रहा है, बार बार पूछता है कि इस वर्ष पैदावार कैसी रहेगी, दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्या आप देख रहे हैं कितना क्षेत्रफल बढ़ा है या घटा है? पैदावार तो शुरू से ही बम्पर है और बम्पर फसल होगी। दाम इस समय इस साल आलू का भाव नहीं बढ़ पाएगा। आपने पहले ही देख लिया? हाँ, इस समय आलू का भाव इस साल नहीं बढ़ पाएगा, फसल बहुत बम्पर है, और जो बुवाई हुई है वो कम से कम 20% अगली साल से 20% इस साल ज़्यादा बुवाई हुई है, यानी अपने उत्तर प्रदेश में ही। हाँ, अपने उत्तर प्रदेश में। अगली साल राजस्थान में आलू नहीं था, इस साल राजस्थान में भी आलू है। लगभग कितना लगा हुआ राजस्थान में इस बार? राजस्थान में कम से कम 20% आलू लगा हुआ है, एक्स्ट्रा लगा है। हाँ, एक्स्ट्रा लगा है 20% आलू। बिहार की क्या स्थिति है? क्या पड़ेगा बिहार में? तो बिहार हाल फिलहाल तो आलू यहीं से जा रहा है, मगर बिहार की स्थिति सही है, वहाँ फसल अच्छी है बिहार में। 37-97 अभी समस्तीपुर बिहार में रेट जो है 9 रुपये किलो तक चल रहे हैं, तो ये मतलब कुल मिला के यही स्थिति है। हाँ, कुल मिला के यही स्थिति है, सब जगह की स्थिति यही है। यानी कि आप मान रहे हैं कि 2022 में अगर बम्पर उत्पादन हो रहा है, यानी कि 50-55 पैकेट का बीघा निकल रहा है, इससे आलू के जब कच्चा ही इतना निकल रहा है तो जब पकेगा तो कैसा निकले? तो कम से कम 80 कट्टे निकलेगा एक बीघे में। तो ऐसे में किसानों को जो अभी खुदाई के लिए, पक्का खुदाई के लिए सोच रहे हैं और वो ये बात सोच रहे हैं कि कोल्ड स्टोर में रखने के बाद में कितने दिन रखना चाहिए कि दाम अच्छे मिल जाएंगे? पार साल किसान ने आलू खोद के बेचा ही नहीं था कच्चे में, और इस साल नहीं बेचेगा तो फिर कोल्ड स्टोर भी पिटेगा, कोल्ड स्टोर तो फिर पिटेगा। किसानों के लिए क्या सलाह है? और किसानों के लिए यही सलाह है, खोदें बेचें उसी में फायदा है। खोदे जब खुदाई शुरू हो तब खोदने के बाद में बेचना ही शुरू बेचना शुरू करें उसी में फायदा रहेगा, और कोल्ड स्टोर करने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, और भी कई किसान मौजूद हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं क्या स्थिति है। और खरीददार भी यहाँ पर आए हुए हैं। चाचा, खरीददारी करने आए क्या? हाँ। क्या रेट खरीदा है आपने? आलू ऊंचे में आज 9 रुपए किलो लिया है। 9 रुपए किलो डाउन में? डाउन में लिया था 8 रुपए। तो कुछ रुझान दिखा है, बड़ा बढ़ोतरी हुई है 1-2 रुपए की या डाउन ही चला गया है? नहीं, बढ़ोतरी भैया। कितना रुपए की? 2 रुपए किलो। वैसे बिक रहा था 6-6.5 रुपए, 7 रुपए आलू, अब बिक रहा है 9 रुपए, आज ऊंचे में 9 रुपए लिया है। तो आज अगर बात की जाए कितनी गाड़ियों की नई आलू की आवक हुई है और कितना बैलेंस बचा हुआ था? 8-10 गाड़ी की आमदनी थी आज पूरे आगर सिकंदरा मंडी में। हाँ, सिकंदरा मंडी पूरे 8 ही की आवक हुई है इतनी बड़ी मंडी में। हाँ,
तो फिर रेट तो रेट भी 40-50 गाड़ी डेली आनी चाहिए कायदा में। और पुराने की कितनी बैलेंस रखा हुआ है? पुराने का बैलेंस तो पता नहीं, आलू ऊंचा बिक रहा है, हमने 10 रुपये लिया है चिप्सोना 10, यानी कुछ यानी कि नॉर्मली बढ़ोतरी हुई है 50 पैसे या 1 रुपये की। भी बढ़ाया हुआ है और नया भी बढ़ा है, दोनों के रेटों में हुआ है। आमदनी कम होने पर थोड़े पैसे बढ़े हुए। चलिए, ये थे मेरे साथ में आगरा की सिकंदरा मंडी से आलू के भाव। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। और आलू के रेटों में मामूली रूप से यानी कि 50 पैसे से लेकर 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो है 10 रुपये किलो का आंकड़ा पार कर जाए। और जो आलू की कच्ची खोद हो रही है उन किसानों को भी, मेरे पास में खड़े हुए हैं ऐसे किसानों को भी कम से कम आलू के अच्छे रेट मिल जाएँ ताकि इनका परिवार की भी गुजर बसर हो सके। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और पूरी अर्थव्यवस्था जो है हमारी कृषि पर ही आधारित है। और ऐसे में अगर आलू का सही रेट नहीं मिलता है तो वह परिवार को भूखे मरने तक की नौबत आ जाती है। तो मेरा यही आशा करता हूं भगवान से कि 10 से 12 रुपए किलो तक का भी ये रेट क्रॉस कर जाए और आलू किसानों को उनकी उम्मीद के मुताबिक पूरा उत्पादन लागत मिल जाए। तो धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ।